ये हमारी फोर्ड बार हैंड सीलर मशीन है लाइनिंग इम्प्रेशन में। इसमें हमारे पास में डॉट इम्प्रेशन में भी आती है, और लाइनिंग इम्प्रेशन तो आप लोगों के सामने रखी हुई है, मैं आपको सीलिंग चेक कराऊंगा सीलिंग का इम्प्रेशन कैसे आता है। और ये फोर्ड बार हैंड सीलर मशीन होती है, इसमें 10 mm चौड़ी सीलिंग आती है, और या तो आप इसमें लाइनिंग में भी ले सकते हैं और डॉट इम्प्रेशन में भी ले सकते हैं। तो इसका सीलिंग का जो मेथड होता है सीलिंग करने का, इसमें ऑपरेट कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको ये थर्मोस्टेट होता है, इस पे जाके अपने पाउच की माइक्रोन के हिसाब से टेम्परेचर सेट करना होता है, जितने भी माइक्रोन का आपका पाउच है। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसमें हल्का पाउच नहीं चलेगा, इसमें पीपी आता है ना बहुत हल्का वाला पाउच, वो इसमें नहीं चलेगा, जला देगी मशीन, क्योंकि डायरेक्ट हीटिंग मशीन होती है। इसमें काफी ठीक ठाक माइक्रोन या मोटा पाउच चलता है इसमें, लाइक जैसे डिटर्जेंट के पाउच, चिप्स के पाउच, मतलब ठीक ठाक माइक्रोन का यार नहीं, मोटा पाउच चलेगा इसमें। तो मैं आपको सीलिंग चेक करा देता हूँ। और ये हीटिंग होने में यानी कि गर्म होने में मैक्सिमम 5 मिनट ले जाती है कम से कम पूरी अपनी हीटिंग होने में, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। तो मैंने पहले इसको सप्लाई दे रखी है, यानी कि 5 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, तो मशीन पूरी हीटिंग पे है, तो मैं आपको सीलिंग चेक करा सकता हूँ। तो मैं सीलिंग चेक करके देखता हूँ सीलिंग टेम्परेचर कैसे आता है। तो आप लोगों को पाउच लेना है, हमारे पास में खाली पाउच है चिप्स का, पाउच लेना है और लगा के मशीन को प्रेस कर देना है। ये डॉट में इम्प्रेशन आ चुका है यहाँ पे, दोनों साइड से डॉट में इम्प्रेशन आ रहा है, कितनी बढ़िया सीलिंग है ये। पाउच फट जाएगा पर सीलिंग अपनी जगह से नहीं हटेगी बिल्कुल भी, इसमें लाइनिंग इम्प्रेशन आ रहा है। और इसमें हमारे पास में, मैं दोबारा भी ये भी आपको चेक कराऊंगा, और इसमें हमारे पास में जो फोर्ड बार में साइज आते हैं, इसमें 12 इंच का साइज आता है, और 8 इंच का साइज आता है, और 16 इंच का साइज आता है, और 16 इंच से बड़ा साइज नहीं चलता इस फोर्ड बार हैंड सीलर के अंदर, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं होता, चलेगा ही नहीं आपका इसमें फोर्ड बार का 16 इंच का साइज इसमें।